गुना जिले के बीनागंज नगर में सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी, जिस पर पुलिस ने एक महिला के घर से 20 ग्राम स्मैक को जब्त किया। पुलिस को देखकर महिला स्मैक को छुपाने की कोशिश कर रही थी। जब लेडीज सब इंस्पेक्टर ने महिला की तलाशी ली तो उसके पास से एक थैली में 20 ग्राम स्मैक मिला, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई गई है। महिला पिछले काफी समय से इसका कारोबार कर रही थी। पुलिस ने स्मैक सहित महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। चाचौड़ा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट। मैं आपको सारा मसला बताता हूँ। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गुना श्री राहुल लोढ़ा साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं हमारे एसओपी श्री बीपी समाधिया जी, सभी अधिकारियों द्वारा विगत 6-7 महीने से नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत हमने भी कार्रवाई की है। हमने एक महिला रामकली भाई को 20 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। उपनिरीक्षक रूबी वार्गा, आरक्षक राजीव रघुवंशी, इनके द्वारा कार्रवाई की गई है। सूचना से मुझे अवगत करा दिया गया था इनके द्वारा। कीमत जो स्मैक पकड़ी गई है 20 ग्राम, उसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए के आसपास है। एक नंबर की जो मार्केट है उसमें, बाकी 2 नंबर की मार्केट में इनके अलग अलग रेट चलते हैं। कब से सूचना मिल रही थी ये महिला पहले भी स्मैक का कारोबार करती थी? पहली बार पकड़ी हुई या पहले भी कभी गिरफ्तार हुई? ये महिला के स्मैक के कारोबार करने की सूचना पहले से थी, चौकी प्रभारी द्वारा मुझे बताया गया था। लेकिन मैं उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, तो मैं जिस दिन माल की डिलीवरी होने वाली थी, इसको हो गई थी, उसके बाद ये जो किसी को बेचने के लिए जिसको बेचना चाहती थी उसका वेट कर रही थी, तो उस दौरान सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। क्या कार्रवाई की गई इसके विरुद्ध? इसके विरुद्ध धारा 8/21 NDPS एक्ट की है, जो उसके तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।